ये स्कूल हसनगुड़ में है जो कि कच्ची आबादी है। मेरा बचपन खुद यहीं गुजरा है। हम जब स्कूल जाते थे तो हमारा स्कूल काफ़ी दूर पड़ता था यहाँ से। जो मेरी हम उम्र या पड़ोस में बच्चियाँ थी तो उनके पेरेंट्स जो है इस चीज़ को नहीं मानते थे और वो दूर जाने नहीं देते थे। स्ट्रगल की हम लोगों ने तालीम के लिए काफ़ी ज़्यादा। उस टाइम तो हमारे लिए इतनी सहूलत नहीं थी, लेकिन जब यहाँ पर TCF स्कूल कायम हुआ तो फिर देखते देखते बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई कि हमारे इलाके के लिए किसी ने अच्छा सोचा। ये कैंपस पिछले 28 सालों से यहाँ पर बच्चों को एजुकेट कर रहा है। 1996 में बनाया गया था। इसका शुमार जो है वो TCF के पहले 5 स्कूलों में होता है। पहले जो हमारी कम्युनिटी है या पेरेंट्स हैं, इतने अवेयर नहीं थे कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। पेरेंट्स जो थे वो ज़्यादातर मजदूर तबका था या फिर लेडीज़ थी जो घरों में काम करती हैं, और माशी हालात उनके इतने अच्छे नहीं थे कि वो बच्चों की तालीम अफोर्ड कर सकें। पहला स्टेप तो हमारा ये था कि बच्चे स्कूल आएँ। फिर हमने नोटिस ये किया कि बच्चे तो स्कूल आ रहे हैं लेकिन कम्युनिटी की जो बच्चियां हैं उनकी तादाद हमारे स्कूल में ना होने के बराबर है। इसकी वजह जानने की कोशिश की, पेरेंट्स से बात की तो उनके तहफ़ुज़ात थे कुछ कि लड़कियों ने पढ़कर क्या करना है, उन्होंने कौन सा बाहर जाना है, घर में हांडी रोटी करनी है। फिर टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने उनकी कोशिशों से जब उनको समझाया गया, मोटिवेट किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बच्चियों को भेजना स्कूल शुरू किया। माशाल्लाह हमारे पास बच्चियां जो हैं वो 53% उनका रेशो है और बॉयज़ का जो रेशो है वो 47% है। मैं खुद इसी कैंपस की स्टूडेंट रही हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर टीचर की पोस्ट पर अपनी खिदमात सर अंजाम दी। जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती हूँ क्लास में तो मुझे उनको देख कर, उनमें जो सीखने की जस्तजू और लगन होती है उसे देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है, और मुझे अपना टाइम याद आ रहा होता है कि किस तरह हमारी टीचर हमें पढ़ाती थी और एक्टिविटीज़ शामिल करती थी, तो मैं भी बच्चों को उसी तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। बच्चे जो सारा दिन अपना यहाँ गुजारते हैं, टीचर्स से वो जो सीखते हैं और अपने साथियों से जो सीखते हैं, बच्चों में उनका अक्स नज़र आता है, दिखाई देता है। आज हमने ये सीखा, आज हमारी टीचर ने ये कहानी पढ़ाई, उसमें ये हुआ, तो इस तरह कहानियों की मदद से, छोटी छोटी चीज़ों की मदद से बच्चे जो है वो सीखते हैं। हम अच्छे रवैयों पे जो काम करें वो भी हमें नज़र आते हैं। बच्चे उन्हें बताते थे तो वो काफ़ी खुश होते थे। पेरेंट्स आके बात भी करते थे इस सिलसिले में। अब पहले की तरह माहौल नहीं है, पेरेंट्स भी काफ़ी समझने लग गए तालीम की अहमियत को। अपने इलाके में तालीम दे के अपने इलाके के बच्चों को आगे बढ़ते देख के बहुत अच्छा लगता है। अब हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह हम कम्युनिटी में कुछ चेंज लाने का बायस बने हैं, इस तरह हम इसको कंटिन्यू रखें, ना सिर्फ स्कूल में बल्कि इलाके में भी पॉजिटिव चेंज रहे और मयारी तालीम के साथ मुसलसल बेहतरी का जो सफ़र है वो भी जारी है।